उत्तर प्रदेश के पर्यटन की विविधता इसकी शान है। सूबे के कोने कोने में हेरिटेज और पौराणिक महत्व के स्थल हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ का वन पर्यटन इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। इन्हीं में से एक है दुधवा। राजधानी लखनऊ से लगभग 230 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क नेपाल की सीमा से लगे तराई भराभर क्षेत्र में स्थित है। दुधवा तराई की एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां विभिन्न प्रजातियों के वनस्पति और वन्य जीव प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय पार्क का उत्तरी सिरा नेपाल से लगा हुआ है और इसके दक्षिणी हिस्से में सुहेली नदी बहती है। दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक सुरक्षित तरीके से कदम कदम पर बाघों को चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। राज्य सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि दुधवा नेशनल पार्क शेर और बाघों के लिए सबसे महफूज जगह के रूप में जाना जाने लगा है। दुधवा के गेस्ट हाउस को बहुत अच्छा कर दिया है। दुधवा में जैसे पर्यटन कॉटेजेस बहुत अच्छी बना दी हैं, कैंटीन की व्यवस्था अच्छी कर दी है, वहाँ बुकिंग ऑनलाइन करा दी है और साथ ही साथ पूरे एरिया में इंटरनल रोड्स डेवलप हो गई हैं, ग्रास लैंड डेवलप करा दिए गए हैं जिससे पर्यटकों को आसानी से वाइल्ड लाइफ का जो है वो देख सकें। वहाँ राइनो एरिया बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ है, इसमें गेंडे को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको देखने को मिल जाता है। तो इस सब को लेके कुल मिला के दुधवा को हम लोगों ने, हमारे पास ऐसा नेशनल पार्क ही रह गया है इसको हमने सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ के बिंदु से ये आकर्षण का क्षेत्र है। दुधवा की एक और शान यहाँ के गेंडे हैं। असम के काजी रंगा के बाद देश में ये एक अकेली जगह है जहाँ सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। गेंडा पुनर्वास क्षेत्र में हाथी पर बैठकर पर्यटक यहाँ के गेंडों को नजदीक से देख सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ की एक और बड़ी खासियत यहाँ का जंगल है। ये जंगल सरिस्का, कार्बेट, रणथंबोर या बांधवगढ़ के जंगल से काफी अलग है। इस वन्य क्षेत्र में सफारी के रास्ते से लंबी घास और झुरमुटों से होते हुए हिरणों की कई प्रजातियों के अलावा बाघ, बारहसिंघा, हाथी, सियार, लकड़बग्घा और एक सिंह वाले गैंडे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये नेशनल पार्क विभिन्न पक्षियों के लिए भी एक महफूज जगह है। यहाँ 400 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने दुधवा आने वाले पर्यटकों के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। पर्यटक जीप पर सवारी कर यहाँ के जानवरों को काफी करीब से देख सकते हैं। जीप से दुधवा की सैर बेहद अलग तरह का अनुभव कराती है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने वॉच टावर का भी इंतजाम करवाया है ताकि पक्षियों और जानवरों को दूर तक देखा जा सके। दुधवा पर्यटन स्थल के विकास की दिशा में राज्य सरकार ने कई खास कदम उठाए हैं। दुधवा टाइगर डेन पर्यटक आवास गृह में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण कराए जाने की दिशा में पहल की गई है। इसके साथ ही पालिया और निघासन में भी पर्यटन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व, पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे।